आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन शुरू हो चुका है, जो तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। जिन चीज़ों के इंतज़ार में तुमने इतना सब्र किया है, वो तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाली है। जहां लोग तुम्हारी निंदा करते थे, तुम्हारा अपमान करते थे, वही लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुमसे बात करने को भी तरसेंगे। मैं जानता हूँ तुमने बहुत ठोकरें खाई है ज़िंदगी में और तुम बहुत थक चुके हो, लेकिन विश्वास करो, मैं सब परिस्थितियों को संभाल लूँगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, सब तरफ सुख ही सुख होगा, तब तुम अपना पुराना वक्त भी भूल जाओगे, जिनमें तुमने बहुत मुश्किलों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तुम फिर सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना जीवन में, फिर पलटकर वापस पीछे मुड़कर मत देखना, तब सिर्फ बस अपनी मंजिल की तरफ ही केंद्रित रहना। मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में तुम्हारी सहायता करूंगा। जो भी तुमने मुझसे प्रार्थना करी थी, वो भी अवश्य स्वीकार कर ली जाएगी। अपने अतीत को एक परीक्षा समझकर भुला देना, जीवन से सब कष्ट सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमने बहुत कष्टों और संघर्षों को अकेले ही देखा है, लेकिन मेरी ये बात याद रखना, जिसने अकेला रहना सीख लिया, वो हर तूफान से अकेला ही लड़ सकता है जीवन में। उसे फिर किसी के सहारे या साथ की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने हर घड़ी मेरा नाम जपा है, मुझे याद किया है। अब मैं तुम्हें कष्ट में बिल्कुल नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे सारे कष्ट हर लूँगा मेरे बच्चे। अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। अपनी चिंताओं को मेरी झोली में डालकर तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारा जीवन अब खुशहाल होगा, तुम्हें कुछ बेहतर मिलने वाला है। श्रद्धा और सबूरी रखना, मैं अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।